गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हो रहा है 9:22। अभी देखते हैं करेंट मार्केट का सिनेरियो क्या है। करेंट मार्केट में क्या है अभी देखते हैं। इंडेक्स की बात करें तो हमारा निफ्टी आईटी 557 पॉइंट ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। वेलकम टू योर पीसी नीहा सिंह। ये 15 मिनट, इसको 15 मिनट पे करते हैं ये। अरे सॉरी, 15 मिनट पे भी क्या करेंगे भाई, अभी 2 ही मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट के कैंडल पे भी देखते हैं। 5 मिनट का कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है जो गैप अप खुलने के बाद एक्सट्रीम बुलिश बनाया है, सेकेंड में होल्ड कर रहा है। निफ्टी 50 को देखते हैं। हमारा निफ्टी 50 तो सदाबहार, क्या बात है। अभी तो कोई वो नहीं, गैप अप भी अच्छा खासा खुला है। कल की क्लोजिंग देख लें तो कल की क्लोजिंग थी इसकी जो है 21,690, आज की ओपनिंग ही इसकी जो है 21,812, 690, 812, 729, तो जो बताओ 150, 120 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला लगभग। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग हमारी थी 46,200 और आज की ओपनिंग की बात कर लें तो 46,568, 300 के ऊपर सेकेंड कैंडल भी जो है कि वो बनाया है 46,670। तो इतना गैप अप के बाद या तो आदमी खुलते ही ले ले, ठीक है, तब जो है कि चीज़ें दिखती हैं, नहीं तो फिर उसके बाद फिर जो है कि डिप का वेट करे। मे बी डिप आए ना आए, या फोमो में थोड़ी ट्रेड बनाया जाता है कि मतलब खुला उसके बाद खुलते, या तो खुलते ही ले ले, सीधी सी बात, कि खुलने के बाद लेने के बाद अगर मैं प्रीमियम ऐड करता हूँ, जैसे मान लो इसमें 21,900 चल रहा है, 800 पे खुला था, ठीक है, तो 21,800 का CEP हम लोग ऐड कर लेते हैं। 21,800 8 फरवरी का CEP हमने ऐड कर लिया, ठीक। तो ये उस समय कितना था सी भाई साहब जब मार्केट खुला था, तो मार्केट के ओपनिंग के समय जो है कि एक मिनट, ओपनिंग के समय जो है कि 165 था, ठीक है, तो 165 था, उसके बाद मान लो 170 175 किसी पे आप खरीद मतलब लेते, ठीक है, तो 260 हो गया। तो लेकिन उतना करेज आपको चाहिए कि उसके डिप में जो है ओपनिंग के बाद लो कितना मारा था, वो 165 पे लो मारा था 153, ठीक है। तो अगर आप खुलते ही ट्रेड मार देते तो 165 भी आपको एक लॉट भी अगर लेते तो उस समय जो है अभी तो 13,000 दिखा रहा है, 165 के हिसाब से कितने का रिस्क रिवार्ड बन रहा था ये भी देखते हैं ना। मान लो कि तुमने 170 पे ही ट्रेड किया, ठीक है, 170 पे आपने जो है कि 50 क्वांटिटी लिया, तो 8,500 रुपये आपका जो है सिंगल लॉट में है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो 70 पॉइंट तुम लॉस पे इसको बुक कर लेते, ठीक है, 70 पॉइंट लॉस पे मान लो नीचे आता तो 70 ऊपर का तो अभी आप होल्ड ही करोगे, दुनिया जानती है, तो 70 × 50 मतलब 3,500 रुपये का अगर तुम इसमें वो लेना चाह रहे हो आज के डेट में, तब फिर जो है कि आप ऐसे में ट्रेड करो, ठीक है। और वो तो जान रहे थे कि अगर ऐसे में क्या है कि देखो तुम्हारा जो वो है डॉ फ्यूचर ये सब जो है कि तो हम लोग का खुल गया है तो सिस्टम, तो हम लोग उसमें लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो कल की जिस तरीके की क्लोजिंग दी थी ना निफ्टी 50 ने, अब जैसे अगर मैं 15 मिनट पे आपको दिखाऊं, 15 मिनट पे आपको कल के डेट में जो है कि ये मान लो इसका है, ठीक है, फिर निफ्टी मतलब निफ्टी 50 इतने बड़े इवेंट के बाद अगर खुद को होल्ड कर ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि कल वहाँ का भी जो है कि अमेरिका वगैरह में भी कोई जो है कि आपके उससे रिलेटेड रेट कट से रिलेटेड आया था, और हमारे इंडिया में भी बजट था, तो मतलब उस ऐसे मोमेंट को अगर आप जो है कि पचा ले जा रहे हो, होल्ड कर ले जा रहे हो और गिर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में ही आपको देख के लग रहा है कि क्या सेंटिमेंट था। उसके बाद अगर आपको एक और तड़का लग गया कि आज आपके जो है कि वहाँ से बहुत अच्छे न्यूज आए जो है, तो अभी मैं एक सेकेंड बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लगा लूँ, आओ पहले आपको चलो स्क्रीन पर दिखाता हूँ। स्क्रीन पर हम लोग अभी इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो इसको सेट करके अभी एक सेकेंड हो जाए, ठीक। यहाँ पे हम लोग का ये दिख रहा है, ये 15 मिनट का है, 15 मिनट में तो अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, कूल ऑफ हो रहा है, 5 मिनट पे लगा देते हैं। अब हम लोग अपना प्रीमियम को खोजे नहीं मिल रहा है, अब प्रीमियम को बदल देते हैं। 21,900 कितना चल रहा है, 21,000, थोड़ा सा इसको हम लोग 21,940 चल रहा है ना, तो 21,900 ही, ठीक है, 950 कर लो,
21,950 का आपने जो है कि निफ्टी में, फरवरी 8 फरवरी का सही हो गया ये। एक सेकेंड, अब हम लोग का 167 दिखा रहा है, 167। ठीक है, अभी एक इसका EMA कितना है, EMA इसका 160। ठीक है, तो 170, ये अभी 2 मिनट बाकी है, 15 मिनट का कैंडिडेट है। ठीक है, और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है कि आपका ये है, इसमें इसने जो है कि अभी 53 पॉइंट मान लो वो हुआ है, तो 100। अब जैसे जिसको सेकेंड टाइम में, जिसको फर्स्ट टाइम में नहीं मिला, वो कूद के यहाँ पे ले लेगा EMA के पास। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि मतलब बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा, फिर यहाँ से उठेगा, तो फिर वो यहाँ पे ले सकता है इसको। और बात करते हैं अपने पी की, तो P91 दिखा रहा है, 21,800 का पी को रहने तो 91, 21,800। ठीक है, वो इसको भी 21,900 कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग आज एट द मनी देखेंगे। फ्राइडे को देखो प्रीमियम जो है कि हाई रहते हैं, क्योंकि न्यू वीक स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। 129। ठीक है, दोनों पे देखते हैं, 160 और 129। तो ये अपने EMA को टच उच नहीं कर रहा है अभी, देखते हैं टच करता है कि नहीं। अभी देखो 15 मिनट का, देखो या तो फर्स्ट 15 मिनट में आपको अगर वो लगे तो वहाँ पे आप रिस्क ले लो, जो कि आज दिखा है। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बना पाए, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया आने में। तो या तो फिर जो है कि सेकेंड, ये बैंक निफ्टी दिखा रहा है आपका, निफ्टी निफ्टी जो है, आज जो निफ्टी के शेयर होंगे, आपको अगर हम लोग वो करते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, ये 5 मिनट का कैंडल है, थर्ड वाला, जो कि अभी जो है कि कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे प्रीमियम थोड़े से जो डिक्लाइन होते हैं, उसमें आप जो है कि वो बनाने को देखते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा गैप अप के बाद बढ़ चुका है ये। प्राइसिंग रेशियो देखो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लो, मतलब ये आपका क्या वो है, ये निफ्टी 50 है जो 247 दिखा रहा है जो है, इसमें हम लोग का दिखा रहा है 45 जो है कि शेयर निफ्टी 50 में है, और 11 पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 38, 380 टोटल जो है कि चल रहे हैं हमारे। तो निफ्टी हम लोग मिड कैप 100 को देख लेते हैं क्या है। निफ्टी मिड कैप में आपका AB कैपिटल 5% और जो है कि एनर्जी इंटरटेनमेंट ये सब कॉपर ट्रेंड इंदर स्टील ये सब करके, निफ्टी 50 की अगर बात करें तो इसमें हम लोग के अरानी पोर्ट्स 5% ऊपर है, और BPCL 2-3% है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प 2%, ICICI 2%, रिलायंस 2% ऊपर है, इंफोसिस, पावर ग्रिड, NTPC, देखते हैं इसको क्या। ये देखो 15 मिनट का ये फर्स्ट कैंडल है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं 15 मिनट पे इसको कर दूँ तो अभी देखो जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे हम लोग को टाइम फ्रेम बढ़ाना रहता है। ये हो गया हम लोग का, ये आ जाओ इसमें हम लोग देखते हैं अपना 171, इसका डीप मारा था 165 का। ठीक है, अभी क्या है कि बहुत से लोग हैं जो इसमें एंट्री नहीं ले पाए थे, ठीक है, तो वो कूद के इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी देखना है हमारा EMA जो है कितना दिखा रहा है भाई, 165, 166, 155। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 166 टू 155 के आसपास ये अभी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से देखो ये सेकेंड कैंडल 15 मिनट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ से ये तो है ही है कि अभी जो पूरा का पूरा उसमें है, क्या कहते हैं, बुलिश मूवमेंट दे रहा है वो, तो कोई वो कहना नहीं है। बैंक निफ्टी का वेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी फिर कब जो है कि वो करेगा। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी। अब और सब छोड़िए, बस आज का लो जो है वही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 500 है, ये बहुत करेगा 500 के आसपास से आके फिर अपने आप को उठाएगा। निफ्टी तो ये सेकेंड कैंडल का लो भी नहीं तोड़ना चाह रहा है, ठीक है, जो 21,900 समथिंग है। रिलायंस की बात कर लें तो रिलायंस वो उछल उछल के पूरा भैया, रिलायंस अगला 5 मिनट जो है। निफ्टी IT की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी IT हम लोग का ये इंग्लिश है,
क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो नहीं, निफ्टी फाइनेंस की बात करें, निफ्टी फाइनेंस जो है कि बैंक निफ्टी को कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग HDFC की बात करें तो HDFC भी जो है कि वहाँ से ले रहा है वो, तो हम लोग का 172 इस समय चल रहा है सी, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी जो है इसका जो 15 मिनट का मैं आपको दिखा दूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ये इस समय चल रहा है ना, तो फर्स्ट कैंडल जो इसने उठाया था 15 मिनट पे वो इसके लिए इनडिसीजन हो गया। तो अब देखो बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के निफ्टी अकेले बहुत दूर तक नहीं जाता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का लो 46,500 आज का था, 46,600, तो यहाँ से उठा रहा है, देखो ना अब यहाँ से उठा रहा है, तो ये इसका प्रीमियम जो है कि 80, तो यहाँ से फिर 70 है, पता है क्योंकि देखो ऐसे में आप जो ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, और ये 15 मिनट का कैंडल है। अब इस फोमो में आप ये निकला इसमें नहीं ट्रेड लेंगे, इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जब तक ये अपने EMA के आसपास है तो आप किसी भी टाइम ट्रेड बना सकते हैं। EMA क्या है, 60-70, ठीक है, अभी चल क्या रहा है, तो ये देखो बैंक निफ्टी के 15 मिनट का कैंडल है जो कि इनडिसीजन हो गया है। ठीक है, मतलब अभी ये क्या करें, इसका देखो इसका गैप अप भी तो जाता है भाई, इसका गैप अप देख लो बैंक निफ्टी का, तो अभी ये क्या कोशिश कर रहा है कि इसी रेंज में अब जो ये फर्स्ट कैंडल बना दिया इसका, अब जब इसके हाई को तोड़ेगा तब जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसके हाई को टेस्ट करने जाए उसी में निफ्टी बढ़ेगा, क्योंकि निफ्टी तो देखो 5 मिनट पे ऐसे बुलिश है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी को खींच रहा है थोड़ा सा, निफ्टी ज़्यादा हो गया, बैंक निफ्टी का गैप अप ज़्यादा होगा, तो ये देखो 15 मिनट के कैंडल का हाई जो है तोड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो है कि आपको 20 पॉइंट कट से बढ़ गया। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल का, लेकिन हम लोग इस हाई को तोड़ने पर वो नहीं मानेंगे। ठीक है, अभी क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मतलब बैंक निफ्टी जो है कि हमारा नहीं अभी वो था। ठीक है, तो इसलिए एंट्री उस समय बनाइए। ठीक है, ट्रेड मिस हो जाए लेकिन एंट्री आप जब बना रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अब रिलायंस तो भी बहुत गैप अप है, तो अभी ये जो गैप अप है इसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं, पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपने गैप अप को जो है कि ये सस्टेन कर ले। तो देखो निफ्टी इतना बुलिश है, हाई को भी तोड़ा लेकिन प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। अब बैंक निफ्टी जो है कि ये 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, अभी अपने हाई के आसपास जा रहा है, वो हाई के आसपास जा रहा है, नीचे निफ्टी का प्रीमियम देखो, ऊपर बैंक निफ्टी का कैंडल देखो। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको इसके प्रीमियम उड़ते हुए दिखेंगे, वो अपने हाई के पास जैसे जैसे जाएगा। अभी इसमें हम लोग का 5 सेकंड बचा है इस कैंडल को क्लोजिंग में, जो बैंक निफ्टी का आपको ऊपर दिखा, नीचे निफ्टी का प्रीमियम देखना है। बैंक निफ्टी का निफ्टी पे क्या इफेक्ट, निफ्टी को तो मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस को भी देख रहा हूँ, लेकिन आप इन दोनों को देखो। ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देखो अगली 5 मिनट की कैंडल की स्टार्टिंग हुई है बैंक निफ्टी में। ठीक है, मैं 15 मिनट का कैंडल भी देख रहा हूँ और अब 5 मिनट का भी देख रहा हूँ, तो ये देखो। ठीक है, वो जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये निफ्टी नहीं है, ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी बैंक। ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो आप देखो 15 मिनट के कैंडल का या तो आज के डेट का हाई जो है कि ये है। ठीक है, 600, और ये सेकेंड कैंडल है, और ये जो है कि हमारा निफ्टी है। तो अभी इतने देर में ये अपने इसी के पास अभी वो क्यों कर रहा है, अब देखो इसका 15 मिनट का कैंडल, चूँकि यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का स्टार्टिंग है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी के 5 मिनट के कैंडल का स्टार्टिंग है, और ये अपना जो है वो, तो अब यहाँ पे क्या बोला था कि अभी इसका अभी EMA देखो 165 और 175, कितना 180। ठीक है, तो मतलब उसमें वो नहीं है, आप ये भी देखो ना कि जो कंपोनेंट जिसके मतलब वो कर रहा है वो क्या चाह रहा है। अब बैंक निफ्टी क्या चाह रहा है कि यहाँ पे मैं जो है कि आज जो मेरा वो है इसको मैं कुछ देर होल्ड कर लूँ, उसके बाद फिर जो है कि हाई तोड़ूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि तुरंत वो कर दिए जो है, ज़्यादा बड़ा गैप वो किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी तो जो है कि आपका 428 पॉइंट ऊपर है ना निफ्टी तो, और यहाँ पे एक लेवल भी कुछ देख के ही खींचा गया होगा, ये जो खींचा गया है 1,900 का ना, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, अब देखो वापस ये पुल ऑफ होके कहाँ आ गया, 176। तो यहाँ पे ट्रेड ना बनाना, मतलब ट्रेड कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना है ये भी आपको मायने रखना, क्योंकि देखो दिन में ऐसी कैंडल्स कितनी बनेंगी पता है, ऐसी कैंडल बनेंगी आपका 60 मिनट, मतलब 1,636, 360 कैंडल जो है कि आपको फेस करना है। ठीक, 360 कैंडल आपको दिखेंगी, उसमें से आपको एक कैंडल भी अगर आपके हिसाब का मिल गया तो फिर आपका काम हो गया पूरे दिन का। ठीक है, तो बाकी आपको देखो कि 360 में से एक दो कैंडल को छोड़ के बाकी 358 कैंडल को आपको इग्नोर करना सीखना है, उस 358 कैंडल को कैसे इग्नोर करें। अभी तो हम लोग इसी को देख रहे थे, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि अपोजिट डायरेक्शन में सुबह सुबह ही नई ट्रेड प्लान करते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि हम लोग पी का ये जो थोड़ा सा ये है क्या कहते हैं कि हालांकि इसमें जो 5-6 पॉइंट का हो, क्योंकि देखो
ये जो गिर रहा है ये एक कैंडल में ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपका जो सेंटिमेंट क्या है पॉजिटिव है, तो इसमें क्या है कि निगेटिव ट्रेड नहीं प्लान करते, मतलब सुबह में ही रिवर्सल, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि देखो अभी EMA के नीचे भी है तो ये इस मोमेंट में जितना ये ट्रेड वो किया, जैसे ये देखो ये 6 पॉइंट जो है कि बढ़ा है ना, 6 पॉइंट, और ये गिरा कितना है ये देख लो, इसमें ये गिरा कितना है 13 पॉइंट। तो आप ऐसे ही आपको देख के पता चल जाता है कि वोलेटिलिटी किस तरफ है, तो जो गिरता है तेज़ी से वही तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट, जब देखो आप जहाँ से देखो कि अब सेंटिमेंट निगेटिव हो रहा है ना, तो वहाँ पे आप जो है कि रिवर्सल प्लान करो, जो कि 10 में से 1 बार करना, बाकी 10 में से 9 बार आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है मार्केट उसी डायरेक्शन में, अब गैप अप खुला, ज़्यादा गैप अप हो गया, एक बार रैली दे दिया तो उसके बाद वहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में आपको उसी डायरेक्शन में रहना है, लेकिन सही जगह पोजीशन बनाने का वेट करना है। तो अभी करेंट मार्केट का यही स्टेटस था, जो कि मॉर्निंग में आपने ट्रेड नहीं लेना देखा, ठीक है। लेना तो अगर हम लोग सुबह प्लान किए होते तो एक तो चलती कैंडल में आप ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि अगर 70 पॉइंट भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में आता तो अगर आप 3,500 रुपये देने के लिए तैयार थे तब आप उसमें से 7,500 रुपये लेने के लिए तैयार रहते, लेकिन ये चीज़ें उतना अगर आपको नहीं हुआ है तो फिर होल्ड कीजिए, फिर दिन में कोई अच्छा मोमेंट आएगा फिर ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। अभी यही हुआ है तो यहाँ पे भी ये खुद को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे 15 मिनट का कैंडल है निफ्टी का, ठीक है। और बैंक निफ्टी को देख के हम लोग ने निफ्टी में ट्रेड प्लान किया कि कहाँ नहीं लेना है। ओके चलो ठीक है।